भारत में कोरोना की तीसरी लहर से डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या में खतरनाक तरीके से इजाफा हुआ है। रविवार तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना के संक्रमण से सिर्फ एक हफ्ते के दौरान मरीजों की तादाद 6 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा सिर्फ 7 दिनों के अंदर मौत की संख्या भी 54% बढ़ गई है। एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना की ये लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट से आई है। 3 से 9 जनवरी के बीच भारत में कोरोना के 7.8 लाख केस आए हैं। ये पिछले हफ्ते की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। पिछले हफ्ते ये संख्या सिर्फ 1.3 लाख थी। इससे पहले 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच संक्रमण में 2.8 गुना का इजाफा देखा गया था। कोरोना के संक्रमण की रफ्तार इस बार कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दूसरी लहर के दौरान 1.3 लाख से 7.8 लाख केस पहुंचने में करीब 5 हफ्ते का समय लगा था, लेकिन इस बार महज एक हफ्ते में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। रिकॉर्ड संख्या में बढ़ रहे हैं केस। रविवार को देश में कोरोना के करीब 1,80,000 केस आए थे। ये शनिवार के मुकाबले 13% ज्यादा हैं। शनिवार को 1,59,583 केस आए थे। अगर दुनिया के दूसरे देशों से तुलना की जाए तो भारत कोरोना के सबसे ज्यादा साप्ताहिक केस के मामले में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। मौत की संख्या में इजाफा। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान मौत की संख्या में भी भारी उछाल देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते के मुकाबले इन आंकड़ों में 54% का इजाफा हुआ है। पिछले हफ्ते मौत की संख्या 495 थी, लेकिन अब ये बढ़कर 761 पर पहुंच गई है। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट 13.29% तक पहुंच गई है। राज्यों का हाल। महाराष्ट्र में इस हफ्ते कोरोना के 2,20,176 केस आए हैं। ये किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा संख्या है। दूसरे नंबर पर बंगाल है। यहाँ इस हफ्ते अब तक 1.05 लाख केस आ चुके हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले यहाँ केस में 6 गुना का इजाफा देखा गया है। इसके बाद दिल्ली की बारी आती है। यहाँ इस हफ्ते 95,609 केस आए हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।